हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रामाश्रय तिवारी। यू नो मी, आप मुझे जान गए होंगे। और जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंतर्गत हमने कुछ आपको बताया था, उसके आगे हम बताना चाहेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि बुक में आपको दिख रहा होगा, पहला जो टाइप है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो पहला है वो जनरल कम्युनिकेशन। और जनरल कम्युनिकेशन इज जनरल यानी सामान्य संचार जो होता है वो क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो इन वंस डेली लाइफ। कम्युनिकेशन जो होता है, इसका महत्व ये नहीं है कि किसी संगठन के लिए ही है, बल्कि इसका जो महत्व है वो हमारी रोज की जो दिनचर्या है, जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली एक्टिविटी, यानी हम हमारे दैनिक गतिविधि का एक जो है अविभाज्य भाग है, यानी इससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। बिना कम्युनिकेशन किए हम अपने दैनिक जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जनरल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन को अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जाता है कि विच इज डन टू द पीपल, ये जो कम्युनिकेशन होता है ऐसे लोगों से होता है जो हमारे लिए नोन होते हैं अथवा अननोन भी होते हैं, यानी हम अजनबी से भी या किसी जानने वाले से, दोनों से जनरल कम्युनिकेशन करते हैं। और जो हमारे लिए आवश्यकता होती है किस चीज़ की, आर्टिफिशियल और फॉर्मल, यानी हमारे लिए कृत्रिम अथवा औपचारिक कोई भी जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग जनरल कम्युनिकेशन करते हैं। जनरल कम्युनिकेशन के जो फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएँ हैं क्या हैं, इसमें जो कंटेंट्स है जनरल मैसेज, जिसमें सामान्य हम लोग संदेश प्रेषित करते हैं दूसरे से, और इनफॉर्मल स्टाइल एंड अप्रोच, ये अनौपचारिक किसका स्टाइल होता है, अप्रोच भी होता है इसका, नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें जो कम्युनिकेशन का ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेट पैटर्न इसके प्रारूप वगैरह बनते हैं, ये सामान्य रूप से होता है, मोस्टली ओरल, अधिकांशतः ये मौखिक होता है, नॉट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, और ये विशिष्ट ऑडियंस के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ऑडियंस इसके लिए बने हैं, उनको हमको जनरल कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए हम ये किसी से भी करते हैं। डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी और ग्राफिक्स ETC। और जनरल कम्युनिकेशन में जो है तकनीकी जो वर्णमाला है, वोकैबुलरी है अथवा ग्राफिक्स है, यानी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसमें हम लोग सामान्य रूप से संचार करते हैं, तो ये जनरल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो टाइप है कम्युनिकेशन का टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल वर्ड आ गया यानी तकनीक इसमें आ गया। तो इसमें बता रहा है कि जनरल कम्युनिकेशन मींस, आपका जनरल कम्युनिकेशन का अर्थ था कि आप लोग अपने सामान्य विचार, दृष्टिकोण, अनुभव एक दूसरे को प्रेषित करते थे, लेकिन टेक्निकल वर्ड आ गया तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो अर्थ है इसमें हम जो है वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यानी वैज्ञानिक और तकनीक की जो सूचनाएं हैं एक किसी इंडिविजुअल से अथवा किसी ग्रुप को टारगेट करते हैं और उसको हम ये प्रेषित करते हैं, यानी ये नहीं कि हम सबको, यानी जैसे आप टीचर्स हैं तो वो स्टूडेंट्स को बताते हैं, और या आपके बॉस हैं तो वो अपने जो कॉलेजियस हैं उनके जो उनके जूनियर्स हैं उनको बताते हैं, यानी ये टारगेट होता है कि टारगेटेड लोगों को ही बताया जाता है साइंटिफिक अथवा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। और बेसिकली कह रहा है कि एनी टेक्स्ट दैट इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड, इसमें जो जब बताया जाता है तो जो टेक्स्ट होता है जब कम्युनिकेट हम लोग करते हैं सूचनाओं का, तो इसमें तकनीक के द्वारा ये किया जाता है, वही टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। और ऑक्सफर्ड लर्नर ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में भी इसको बताया गया, इसकी परिभाषा कि टेक्निकल वर्ड का जो अर्थ होता है कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मशीनरी, यानी तकनीक का जो अर्थ है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगों के द्वारा, मशीनरी के द्वारा और विधियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, और साइंस में और इंडस्ट्री में, विज्ञान में, उद्योगों के में मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी इस प्रकार टेक्निकल कम्युनिकेशन मींस द ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स, यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता है इसमें हम लोग जो
ट्रांसमिट करते हैं क्या, प्रेषित करते हैं फैक्ट्स यानी तथ्य, फिगर, आइडिया, जो विचार हैं और जो जी साइंटिफिक तथ्य हैं उनका पूरा जो फिगर आउट करके उसको हम प्रेषित करते हैं, रिलेटेड टू साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक यानी विज्ञान से जुड़ी हुई, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तकनीक की कोई सूचना है उसको तो हम लोग क्या करते हैं प्रेषित करते हैं। फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं का अगर हम प्रभावी रूप से ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के द्वारा, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन आल्सो अडॉप्ट्स वेरियस मेथड लाइक मीडिया। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं, जो विधियाँ अपनाते हैं, जैसे मीडिया, नेटवर्क्स, चैनल्स एंड सिस्टम्स ऑफ जनरल कम्युनिकेशन, और जनरल कम्युनिकेशन के जो भाग होते हैं मीडिया है, नेटवर्क्स है, चैनल हैं, इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन को मतलब संपन्न करते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन में वेरी फ्रॉम अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टूल टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। टेक्निकल कम्युनिकेशन अलग अलग जगहों पे साधारणतः इसका जो विवरण है वो अलग अलग भी होता है, और साइंटिफिक रिसर्च करके भी हम क्या करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो अगर हो रहा था उसकी व्याख्या वगैरह भी टेक्निकल कम्युनिकेशन के द्वारा की जाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन आर सेमिनार्स, रिपोर्ट्स, यानी आप लोग सेमिनार वर्ड सुने होंगे, रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, कोई भी कार्य होता है अगर कुछ हो रहा होता है तो अगर इसको अगर तैयार करना होता है या कम्युनिकेशन हम जो वहाँ पे करते हैं वो टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किए जाते हैं, मीटिंग्स भी आप लोग सुने होंगे, आप लोग अटेंड भी किए होंगे या और लोग करते हैं पता होगा, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के हैं। तो आज हमने आपको जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके आगे और भी हम वीडियोस के द्वारा आपको बताएंगे और उस पर आप लोग ध्यान दें, और बुक जो है आप लोग को कोई भी कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की अगर बुक आपको मार्केट में उपलब्ध हो रही है जो पॉलिटेक्निक्स के मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं और उसको ले लें, जैसा कि हम बुक से ही आपको दिखा के बता रहे हैं, तो इसका ध्यान दें। चिल्ड्रेन, बाय।